लेट अस कंसीडर अ केस जिसमें एक पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, किसी और तरह के फोर्स नहीं लग रहे, और वो पार्टिकल जो है एक एक्सिस आर एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमने पहले ही निकाला था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं एफ़ कंजर्वेटिव विल बी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर करके। अगर उस पार्टिकल का ग्राफ गिवन है पोटेंशियल एनर्जी यू वर्सेस डिस्टेंस आर का, तो इस ग्राफ से हम क्या पार्टिकल के इक्विलिब्रियम को बता सकते हैं कि पार्टिकल किस जगह पे इक्विलिब्रियम होगा। लेट से इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करके कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पार्टिकल पे फोर्स जीरो होना चाहिए, सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है कंजर्वेटिव फोर्स, तो इक्विलिब्रियम का मतलब तो हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी जीरो। एंड बिकॉज एफ सी इक्वल टू डी यू बाई डी आर, इफ एफ सी इक्वल टू जीरो देन माइनस डी यू बाई डी आर मस्ट ऑल्सो बी जीरो। तो माइनस साइन से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डी यू बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर मस्ट बी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। फिर यहां से एक और चीज निकल के आती है कि स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम का भी अलग अलग नेचर होता है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होता है। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, क्या क्या इनकी खासियत होती है, क्यों कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इक्विलिब्रियम्स को, इसको एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताए, स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। इन तीनों का एग्जाम्पल समझाने के लिए एक एक स्पेशल केस ले रखा है। लेट से एक इस तरह का बाउल है, इस बाउल के अंदर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक ब्लॉक को रखा गया और ये बाउल फिक्स्ड है। इस ब्लॉक को रखा गया है, अगर रखा हुआ ब्लॉक है अपनी जगह पे रखा है तो ऑलरेडी इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में तो है ही, नेट फोर्स इस पे जीरो है। बट अगर इस ब्लॉक के ऊपर हम कुछ फोर्स लगा दें, लेट से अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएं राइटवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ, तो ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। ब्लॉक ऊपर चढ़ जाएगा तो mg का एक कंपोनेंट अब इस पे नीचे की तरफ एक्ट करने लग जाएगा, या लेफ्ट की डायरेक्शन में उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो हो ही जाएगा। तो इस mg का फोर्स बेसिकली फिर से इस ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तो है ही है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से हटाने के लिए भी हम इसको कोशिश करेंगे तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाना चाहेगा। दैट मींस इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा। ये ब्लॉक जहाँ पे रखा था अगर स्लाइट डिस्टरबेंस भी हो जाए तो फिर से वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट केस हमने ले रखा है यहाँ पे, इसी बाउल को हमने उल्टा करके रख दिया, इस तरह से इन्वर्ट करके रख दिया और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट डेलिकेटली एक ब्लॉक को जाके रख दिया। अब ये ब्लॉक को बहुत डेलिकेटली जाके रखेंगे, रफ फ्रिक्शनलेस सरफेस हम मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल टॉप पोजीशन पे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बट अगर मैंने इसको राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, लेट से इसको डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड डायरेक्शन में दिया, तो जो mg का कंपोनेंट आ जाएगा वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन के अलोंग ही आ जाएगा। दैट मींस जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं एक्स्ट्रा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि वो वापस नहीं आएगा बल्कि दूर चला जाएगा। इस कंडीशन में ब्लॉक को अगर आपने राइट भेजा तो फोर्स भी राइट में लग गई और ये नीचे चले आएगा इस तरह से। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, अनस्टेबल, बिकॉज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की इसकी बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट स्लाइट डिस्टर्बेंस से भी ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको हम बोल देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का है, मतलब कि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर इस ब्लॉक को मैं मूव करके टुवर्ड्स राइट थोड़ा खिसका दूं तो ब्लॉक फिर से जिस जगह पे पहुंचेगा, चूंकि ग्राउंड पे पहुंचा है तो फिर से अब इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इक्विलिब्रियम तो इसका मेंटेन्ड है बट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसकी मेंटेन्ड नहीं है, मतलब कि जो जहां पे पहले था वहां पे वापस आके फिर से इक्विलिब्रियम नहीं कर रहा है बल्कि नई जगह पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहां पे इक्विलिब्रियम तो मेंटेन्ड है बट इक्विलिब्रियम की पोजीशन मेंटेन्ड नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखा जाएगा, तो यू वर्सेस
आर के ग्राफ में अगर आपको पोजीशंस बतानी हो कि कहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमने क्या लिखा था कि डी यू बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। U और R के ग्राफ में डी यू बाई डी आर क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होगी, स्लोप एक तो इस वाली पोजीशन पे ज़ीरो होगी, टॉप मोस्ट पोजीशन जिसको मैथ्स में आप मैक्सिमा की पोजीशन बोलते हो, एक हो गई बॉटम मोस्ट पोजीशन, यहाँ पे भी स्लोप ज़ीरो होगी। तो एक पोजीशन ये वाली हो गई यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पार्टिकल, एक पोजीशन यहाँ हो गई यहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, और इस वाले पॉइंट से जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट हो गई, इसके बाद कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो, हर जगह टेंजेंट जो होगा वो जीरो स्लोप का ही बन रहा है। तो इसके आगे पूरी रेंज ऑफ आर हो गई जहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब अगर चेक करके बताना है कि ये इक्विलिब्रियम किस तरह के होंगे, तो फिर से वही वाला लॉजिक हम लगाएंगे कि लेट से पहले ये टॉप मोस्ट पोजिशन वाले, इस वाले पोजिशन की बात करते हैं, मैक्सिमा वाले पोजिशन पे, मैक्सिमा वाले पोजिशन पे अगर देखें तो जस्ट मैक्सिमा से पहले टेंजेंट जो बन रहा होगा इस तरह का बन रहा होगा, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, बिकॉज जो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो कैसा, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो स्लोप इज पॉजिटिव। और एफ कंजर्वेटिव क्या आया है, एफ कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, मतलब नेगेटिव ऑफ द स्लोप इज फोर्स। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स पॉजिटिव होने के बाद इस पार्टिकल पे लगने वाला जो यहाँ पे, सॉरी, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, स्लोप माइनस ऑफ स्लोप इज फोर्स, तो स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स यहाँ पे आ गया कैसा, नेगेटिव आ गया फोर्स। इसके आगे अगर हम कहीं चले गए, जो इक्विलिब्रियम पोजिशन है उससे अगर हम आगे चले आए, तो देखो ये टेंजेंट नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, दैट मीन्स ये वाला जो टेंजेंट बनेगा वो आर एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, 90 से बड़ा बनाएगा, तो स्लोप यहाँ पे कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव हो गई तो फोर्स यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव हो गया। अब फिर से आप देखो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम की पोजीशन यहाँ पे है, इस पोजीशन से अगर हम राइट में डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो राइट साइड में जाने पे जो फोर्स हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव फोर्स का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गई, और वो केस हमारे पास कहाँ आया था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आया था। ब्लॉक को हमने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया तो mg का कंपोनेंट भी राइट की तरफ ही लगने लग गया, इसका मतलब वो और दूर चला गया। तो इस तरह का जो ये मैक्सिमा वाली कंडीशन है, ये वाली जो मैक्सिमा वाली कंडीशन होगी, इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और मैक्सिमा की कंडीशन में आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है या नेगेटिव होता है, और यहाँ पे इसको आप स्लोप से भी देख सकते हो, डी यू बाई डी आर जो होता है स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव से, स्लोप की वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो जो भी चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब है डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो भी चीज़ डिक्रीज करती है मैथ्स में हम ये कह सकते हैं उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर डी यू बाई डी आर डिक्रीज कर रहा है तो डी यू बाई डी आर का रेट ऑफ चेंज विच इज डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर शुड बी नेगेटिव। तो हमारे पास कंडीशन आ गई फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर मस्ट बी लेस देन जीरो या नेगेटिव। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेम वही लॉजिक लगेगा और ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इस कंडीशन का। अच्छा, दूसरी चीज़ इसको आप याद रखने के लिए, ग्राफ में याद रखने के लिए, जो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसा शेप यहाँ पे है वैसा ही शेप देखो एग्जैक्टली यहाँ पे बन रहा है। जो नीचे वाला मिनिमा वाली पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की आ रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो एग्जांपल है वो भी इसी तरह का बन रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स इसका याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस पोजीशन से आगे वाला जो आया, जैसे अब यहाँ पे हमने देख लिया कि दिस इज व्हाट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला पोजीशन हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब
इस पॉइंट के बियॉन्ड हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी जाते हैं तो स्लोप कंटिन्यूसली जीरो रहता है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज ऑल्सो जीरो। कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। तो ये पूरा रेंज जो आएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, वो कैसा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल टू जीरो के बराबर। इस कंडीशन में आप यहाँ से जैसे ब्लॉक को इस पोजीशन से यहाँ पे दूसरी जगह भी लेके जाएं तो नई जगह जाके फिर से इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, लेकिन वापस पुरानी जगह पे नहीं आएगा क्योंकि किसी तरह का फोर्स लग ही नहीं रहा इस बॉडी पे।